ये तो लेटेस्ट न्यूज है। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। रुको जरा, सबर करो। Few moments later. ये क्या हो गया? अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? तो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे यार आप सभी लोग? तो कैसे आ चुका है मैं एक और वीडियो लेके। तो भाई लोग देखो भाई, पबजी मोबाइल लाइट में भाई 27 जुलाई को अपडेट बताया गया था कि भाई इस तारीख को भाई अपडेट आ सकता है, जो गैस पबजी मोबाइल लाइट की ओरिजिनल वेबसाइट से बताया गया। और गैस देखो, वो जो भी दो तारीखें बताती है तो वो भाई एक्सपेक्टेड पे बताती है, मतलब आप मान के चल सकते हो भाई इस तारीख को अपडेट हमें देखने को मिल जाएगा। बट भाई वो परमानेंट बताती नहीं है कि भाई फिक्स डेट यही होगी, क्योंकि भाई वो आके लिखती भी भाई एक्सपेक्टेड, तो तुम्हें भाई मान के चलना पड़ेगा कि भाई इस तारीख को अपडेट आ सकता है। इन्होंने भाई 2 से 3 तारीखें बता दी, बट भाई हमें अपडेट देखने को नहीं मिला। बात तो सही है। और गाइस मुझे पता है भाई, बहुत ज़्यादा बंदों के यही कमेंट आते हैं, गुरु भाई भाई पबजी मोबाइल लाइट में जो अपडेट आएगा उसकी कोई फिक्स डेट मालूम हो तो भाई बता दो। तो भाई लोग देखो भाई, मैं पबजी मोबाइल लाइट का कोई डेवलपर तो नहीं हूँ जो भाई मेरे को तारीखें दी जाती है, जो गाइस मैं आपको बता दो, मेरे को भी भाई वेबसाइट के जरिए पता लगती है भाई पबजी मोबाइल लाइट की ओरिजिनल वेबसाइट। इस पर गाइस पहले भी तारीखें दी जाती थी जब गाइस अपडेट नहीं आता था, तो मतलब पहले भाई अगर अपने भाई पबजी लाइट में बड़ा अपडेट आएगा तो भाई पहले बीटा वर्जन में आएगा, जिसके हमें भाई टेस्टिंग करने के लिए दिया जाएगा। तो भाई थोड़े दिन और इंतजार करो भाई लोग, अपडेट हमें देखने को मिल सकता, क्योंकि इस वाले अपडेट से बहुत ज्यादा उम्मीदें जुड़ी है। और पबजी मोबाइल लाइट वालों ने यह भी कहा है कि भाई अगर आप भाई उनको मैसेज करते भाई कस्टमर सपोर्ट में, तो वो भाई आपको यही कहेंगे इस पे हमारी टीम काम कर रही है, जो भी भाई पबजी मोबाइल लाइट में प्रॉब्लम इश्यू आ रहा है तो भाई वो सबको ठीक कर देंगे। भाई थोड़ी देर और इंतजार कर लो भाई, अपडेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है समरिया। अब गाइस हम बात कर लेते हैं भाई क्रेश को फिक्स कैसे करें। तो भाई लोग देखो, आप गाइस गेम में कुछ चीज़ें मत उठाना, जैसे गाइस भाई वो साइलेंसर होता है ना जो भाई गन के ऊपर लग जाता है तो उसकी आवाज़ें कम आती है, तो भाई लोग वो मत उठाना, क्योंकि भाई उससे भाई गेम क्रेश हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम भाई ऐसा नोटिस किया उसको उठाने से भाई गेम क्रेश हो जाता। कोई सा भी साइलेंसर मत उठाना जो भी गाइस आपको मिलता, और गाइस आप VPN यूज कर सकते हो जिससे भाई गेम क्रेश रुक सकता है। तो भाई लोग देखो, ये 4-5 VPN आप गाइस ट्राई कर सकते हो, जिसमें गाइस मैं आपको बताऊंगा भाई सिंगापुर VPN, गैलेक्सी VPN, टॉप VPN, बेस्ट VPN और भी गाइस आप VPN जो कि आप यूज करके भाई गेम को अच्छे से खेल सकते हो। तो भाई लोग देखो, भाई गेम क्रेश को ऐसे हम फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में अपडेट नहीं आया, अपडेट में ये सारा प्रॉब्लम भाई ठीक हो जाएगा। तो भाई आप गेम को खेल रहे हो तो भाई यही VPN यूज करने पड़ेंगे। तो भाई लोग मैं आप लोगों के लिए गेम प्ले लेके आ चुका, और इस वाले गेम प्ले को भाई लोग लास्ट तक जरूर देख के जाना, क्योंकि इसमें भाई मेरा आगे जाके गेम क्रेश हो जाता। अब देखो भाई मैं चिकन डिनर कैसे लेता, तो लास्ट तक देखना तो बनता। अब मैं कह रहा था भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड और आ चुका ओल्ड मशीन में, अब यहाँ पे बंदे भी आ जाते तो भाई चलो निपटा लेता इनको, बस एंजॉय करो। अब चलो भाई पहला किल तो आ चुका, अब इसके बाकी के टीममेट भाई इधर ही होते हैं भाई ओल्ड बेसिन में। एक बंदे के फुटप्रिंट तो भाई मेरे दूसरे वाले घर से आ रहे होते हैं, तो भाई पहले इसे निपटा लेता हूँ मैं। और चलो भाई इस वाली टीम के 2 बंदों को तो निपटा दिया, अब इनका भाई एक और टीममेट बच रहा होता है। ये भाई 4 बंदे नहीं होते भाई, ये 3 ही होते हैं, चूंकि इनका चौथा टीममेट पता नहीं भाई कहाँ पे गए होता, तो बस निपटा लेता हूँ मैं।
अब चलो भाई, इस वाली टीम के तीन बंदों को तो निपटा दिया। इनका भाई लास्ट टीममेट बचा होता जो कि इस वाले बंदे के भाई मुझे फुटप्रिंट आ रहे होते जो कि इधर की तरफ से, और मुझे लगा ये वाला बंदा इसी टीम का हो सकता, बट ये अलग टीम का होता। और ओल्ड बेसिन में यही बंदे आए होते जिनके भाई मैंने पेटियाँ बना दी, तो भाई जल्दी से इनके पेटियों में से लूट होता था। और भाई स्कोडा उससे लूट करके भाई मैं निकल रहा होता, तभी देखो भाई बंदा गाड़ी लेके भाग जाता इधर से। और इस बंदे पे फायर करता तो भाई मेरी गन में एमओ ही खत्म हो जाती। मैं उसी बंदे को ढूंढने के लिए भाई इधर की तरफ आता और यहाँ पे पहले एक बोर्ड देखता तो पहले इसकी पेटी बनाता, क्योंकि भाई मेरे को एमओ चाहिए होते तो पहले इसको निपटा लेता मैं। और इस वाले बोर्ड की पेटी में भाई मेरे को M16 मिल जाती जो है उठा लेता। भाई क्या करे भाई, यही गन उठानी पड़ेगी। आगे जाके भाई मेरे को भाई G36 से मिल जाती जो है इसमें उठा लेता। यहाँ पे एक बोर्ड आ जाता सामने की तरफ। अब चलो भाई इस वाले बोर्ड की तो पेटी बना दी, बट भाई सामने की तरफ एक और बंदा होता जो भाई कब से फायर किया जा रहा था, मैं उसी बंदे को देख रहा होता जो भाई उधर ही होता, तो भाई इसको निपटाने के लिए मैं आ जाता भाई इधर की तरफ। तो बस देखो कैसे निपटाता हूँ। और चलो भाई इसकी तो पेटी बना दी। ये वाला बंदा अकेला ही होता तो भाई जल्दी से इसकी पेटी में से लूट करके भाई मैं उठाता यहाँ से बग्गी और आ जाता और बंदों को ढूंढने भाई इधर की तरफ। सामने की तरफ बंदे होते, मैं भाई उस वाले ब्रिज से नहीं आता क्योंकि भाई मैं तेडेल वाले ब्रिज से आता, भाई बंदे पेटी बना देते भाई खुले में, तो भाई मैं इधर से आ जाता। तो भाई देखो कैसे निपटाता, इन्हें बस इंजॉय करो। और चलो भाई इनको तो निपटा दिया। अब भाई एक बंदे को मैंने और भी नोक किया था, उसका भी भाई किल कंफर्म कर लेता हूँ पहले मैं। अब चलो भाई इन वाले बंदों की तो पेटियाँ बना दी। अब इनका भाई लास्ट टीममेट बचा रहा था जो है गाइस भाई सेक के अंदर बैठा होता, जो है गाइस आपको भी दिख गया होगा। मैं इसमें भाई टेप टेप फायर करता इस पर, बट ये वाला बंदा भाई छिप जाता तो भाई इसको उधर ही जाके निपटाना पड़ेगा। तो भाई जल्दी से उठाता मैं यहाँ से बग्गी और उसको निपटाने के लिए आ जाता भाई इधर की तरफ। तो बस देखो और चलो भाई इसी के साथ भाई ये वाली टीम हो जाती है खत्म। अब यहाँ से जल्दी से मैं बगी उठा के और बंदों को ढूंढने निकला था। आगे जाके भाई मेरा गेम क्रैश हो जाता। अब तुम सोच रहे हो कि भाई मेरा गेम क्रैश हो गया, मैं फिर से भाई गेम में कैसे आऊँगा? तो भाई मैंने सिंगापुर वीपीएन लगा रखा था, फिर से भाई मैं सिंगापुर वीपीएन में जाता, उसको डिसकनेक्ट करके फिर से भाई कनेक्ट करके फिर से आ जाता, एंटर मैच अगेन भाई ओके करता हूँ और भाई फिर से मैं गेम में चला आता। अब देखो इसमें चिकन डिनर कैसे निकालता, बहुत ज़्यादा बंदे भाई प्ले जोन से मर जाता है क्योंकि उनका भी भाई गेम क्रैश हुआ रहता, बट मैं तो भाई गेम में आ चुका था, मेरा चिकन डिनर तो भाई कन्फर्म है। बस देखो और इसी के साथ मिल जाता भाई विनर विनर चिकन डिनर। तो भाई यही था आज का गेम प्ले, पसंद आए तो भाई लोग वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो गाइस मैं मिलता हूं आपको नई गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।